बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजम मनीर चौधरी और आप देख रहे हैं अंजम फूड कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के साथ बॉयल्ड एग मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। हमेशा की तरह आज की हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब जुमा सूरत दुखान की तलावत की वो बख्शा हुआ सुबह करेगा इंशाल्लाह। रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार अंडे लेके उनको पानी डाल के हार्ड बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। अब पैन में सरसों का ऑयल लेके उसको गर्म कर लिया। दो प्याज हैं उनको रफली काट लिया था, इनको ऑयल में शामिल करके इनको हल्का सा सौते करना है। प्याज जो हैं वो सौते हो गए हैं। अब ब्लेंडर जग में टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल लिए, इनको भी ब्लेंड करना है। पेस्ट हमें चाहिए इनकी। अब जो प्याज हैं सोते किए हुए उनको शामिल कर लिया। इसमें ज़बरदस्त ग्रेवी चाहिए तो ये पेस्ट फॉर्म में मैं शामिल करूँगी। अब उसी पैन में और ऑयल शामिल करके लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर ली है, इसको भी हल्का सा कड़कड़ा लिया है। और अब इसमें प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट शामिल कर दी। ग्रेवी के लिए ये पेस्ट फॉर्म में ही हमें चाहिए थी चीज़ें। अब इनको फ्राई कर लेना है अच्छे से ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब खुशक मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून तारा मसाला और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। नमक मिर्च और मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेने हैं। अब इनको ग्रेवी में अच्छा सा मिक्स करके फ्राई कर लिया है। मसाले जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें खुशक मेथी 1/2 टीस्पून शामिल कर दी, इसका भी सालन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अंडे जो हैं वो मैंने छील के तो उनको 2-2 पीसेस कर लिए थे। अब ग्रेवी के अंदर अंडे शामिल कर दिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट्स दें। अब 1 गिलास पानी का शामिल करके तो इस मसाले को अंडों के ऊपर भी स्प्रेड कर दिया है ताकि मसाले का फ्लेवर भी अंडों के अंदर चला जाए और ये ज़बरदस्त बन जाए। अब ढक्कन दे के तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी जो तैयार हो गई है, लेकिन हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए तो इसके लिए मज़ीद इसको 5 मिनट और पकने के लिए छोड़ते हैं। थोड़ी सी थिक ग्रेवी इसमें अच्छी लगेगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो गई है, इस तरह की हमें चाहिए थी। ज़बरदस्त सालन तैयार होगा, बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, झटपट में तैयार हो जाती है। अब माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से ये बॉयल्ड एग मसाला सर्विंग के लिए तैयार है। इसी तरह की इजी और क्विक रेसिपी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। अल्लाह हम सब के रिज़क में बरकत अता फरमाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।